अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ एहसन अली। आज हमारी जिमनास्टिक की नेक्स्ट क्लास, इस क्लास में आपको बताएंगे कि जिमनास्टिक में कार्टव्हील कैसे करते हैं। इसके बाद हमारी सारी प्रोफेशनल जिमनास्टिक स्टार्ट होगी। इससे पहले हमने जितनी भी क्लासेस की हैं उसमें हमने आपको बेसिक जिमनास्टिक वार्म अप वो चीज़ें बताई हैं कि जिससे आपकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव हो। और आज हम आपको कार्टव्हील बताएंगे, इससे नेक्स्ट वीडियो में हम आपको राउंड ऑफ बताएंगे, फिर उसके साथ बैक हैंड स्प्रिंग, बैक फ्लिप, फ्रंट समरसॉल्ट, ये सारी चीज़ें हम लोग साथ साथ आपको बताएंगे। आप थ्रू आउट हमारी क्लास वन से आगे सारी सीरीज़ देखें और जिमनास्टिक सीखें। तो चलिए आज हम आपको कार्टव्हील कैसे करते हैं वो सिखाते हैं। सबसे पहले आपने अपनी एक टांग आगे रखनी है ये, और अपने हाथ बिल्कुल स्ट्रेट लेके जाने हैं। हाथ बिल्कुल स्ट्रेट रखने, आप अपने हाथ फोल्ड नहीं रखेंगे, हाथ नीचे लगाओ आप, ऐसे हाथ आपने बिल्कुल स्ट्रेट रखने हैं। वापस जाओ, इसकी पोजीशन बिल्कुल सामने की है ऐसे, लेकिन जब आप हाथ नीचे लगाएंगे तो आप अपनी साइड वाली पोजीशन रखेंगे। आओ साइड वाली पोजीशन, क्योंकि आप कार्टव्हील कर रहे हैं, कार्टव्हील सारी साइड से होती है, ठीक है। हाथ ऊपर स्ट्रेट लेके जाओ, ये हाथ नीचे लगाओ। अब जैसे ही आप हाथ नीचे लगाएंगे इसके साथ जो पीछे वाली टांग होगी इसको उठा लेंगे, उठाओ ये। अब दोनों स्टेप साथ करो, हाथ नीचे लगाओ स्ट्रेट करके और पिछली टांग उठाओ ये। अब इसी तरह आपने पीछे, इस तरह आपने ये पूरी फ्लिप करनी है, जैसे आप हेड स्प्रिंग कर रहे थे, हेड स्प्रिंग या हैंड स्प्रिंग कर रहे थे, इसी तरह आपने ये वाली जो पिछली टांग है ये आगे जाके नीचे लगानी। आप अपने हाथों पे बॉडी उठाएंगे, हाथ ऊपर लेके जाओ, ये वाला हाथ जो आगे वाला होगा, जो टांग आगे है, ये वाला हाथ पहले नीचे लगेगा और जो पिछली वाली टांग है वो पहले नीचे लगेगी। अब जाओ स्लो में करो, इस तरह वापस आओ, हाथों को और मजबूत रखो, बिल्कुल स्ट्रेट रखो, हाथों में बॉडी उठा के आगे से फ्लिप मारो जैसे हेड स्प्रिंग मारे, और बॉडी बिल्कुल साइड पे हो, इस तरह। ये कार्टव्हील है, सिंपल सी है, इसकी आप प्रैक्टिस करें तो आपको विद इन 1 or 2 weeks में ये आ जाएगी। ये आएगी, इसके बाद आप राउंड ऑफ कर सकेंगे। राउंड ऑफ भी हम आपको इसी वीडियो में बताते हैं, ठीक है। राउंड ऑफ भी सेम ऐसी है, राउंड ऑफ में आपने टांगें दोनों साथ लानी है, और जैसे आप इसका फ्रंट इधर है, और राउंड ऑफ में आप जब उस पोजीशन पर जाएंगे तो आपका फेस ऑपोजिट होना चाहिए। आओ दोनों हाथ नीचे रखो, हाथ नीचे लगाओ, आप टांगे लेके जाओगे और दोनों टांगे साथ आगे रख के फेस से सर्व करने। और आपने इसमें जो मेन चीज़ होती है, जो कार्टव्हील में आप हाथ बिल्कुल स्ट्रेट रखते हैं, लेकिन राउंड ऑफ में आपका एक हाथ ऐसे होते हैं, दूसरा हाथ आगे से ऐसे रखेंगे, ठीक है ये, और आगे से हाथ ऑफ रखेंगे ताकि आपको मूव करने में हेल्प मिले। दोनों हाथ ऐसे रखेंगे, कार्टव्हील में ऐसे रखते हैं, और राउंड ऑफ में अगला हाथ हम ऐसे राउंड में रखेंगे। आओ जाओ राउंड ऑफ, जाओ रख के राउंड ऑफ जाने, आप कार्टव्हील चले गए, वापस आओ, शाबाश। दोनों हाथ मजबूत रख के हाथ आगे से राउंड, और दोनों टांगें साथ लेके, और देखें इसने स्टार्ट यहाँ से की थी ऐसे, और वहाँ जाके उसका फेस इस तरफ हो गया, इस वजह से, क्योंकि इसके पीछे ये बैक समरसॉल्ट या बैक हैंडस्प्रिंग कर सकते हैं, इसलिए राउंड ऑफ में आप लोग की जो फेस होते हैं वो ऑपोजिट तरफ आ जाते। फिर आओ जरा पीछे हो जाओ, अब जाओ राउंड ऑफ, यहाँ हाथों पे जोर दे के बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट, अब ऐसे आके ऊपर बैक हैंड स्प्रिंग सिर्फ जंप करें। आओ आपको राउंड ऑफ का फ़ायदा बताते हैं, आओ राउंड ऑफ करो, अब यहीं से जंप ये, इस तरह आप राउंड ऑफ की प्रैक्टिस करें। इसके बाद हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बैक हैंड स्प्रिंग सिखाते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद करिएगा। अल्लाह हाफिज़।